अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ आइसक्रीम कुल्फ़ी की, तो चले आ जाते हैं जिन चीज़ों की हमें यहाँ ज़रूरत होगी। यहाँ इसको मैं ब्लेंडर में बनाऊँगी, जग में ब्लेंड करके बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाने वाली आइसक्रीम कुल्फ़ी है। चले, यहाँ व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने 2 कप बिल्कुल ठंडी करके, और एवेपोरेटेड मिल्क लिया है 1 गिलास, जो भी कैन होगा उसको मैंने खोल के गिलास में डाल लिया है। कंडेंस्ड मिल्क 1 कप भर के, और इलायची पीसी हुई 1 टीस्पून, और 4 अदद स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। चलो जी, आप देखें कि बहुत ही इजी और आसान तरीके से बन जाने वाली ये रेसिपी है। गर्मियों में तो ख़ास तौर पर कुल्फ़ी जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो आप देखें कितनी आसानी से ये बन जाने वाली कुल्फ़ी है और जायके में बहुत ही मज़ेदार है। चलिए, मैंने सबसे पहले जग में ब्रेड डाल दिए थे, उसके बाद व्हिपिंग क्रीम और ये इलायची पाउडर और ये एवेपोरेटेड मिल्क। अभी मैंने कंडेंस मिल्क ऐड नहीं किया। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी जब तक कि ये ब्रेड के स्लाइसेस बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देखें अभी ये थोड़ा सा लिक्विड ही है, कंडेंस मिल्क हम पहले से नहीं डालेंगे वरना फिर वो थिक नहीं होगा, बहुत लिक्विड हमारा हो जाएगा, फिर आइसक्रीम अच्छी नहीं जमेगी कुल्फ़ी। तो चलिए, जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो कंडेंस्ड मिल्क भी डालकर अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं ब्लेंड करूँगी। तो देखिए हमारा थिक सा जो है मिक्सचर तैयार हो गया है। देखिए बस हमें इतना ही चाहिए था। चलें, अब आप कोई भी ट्रे जिसमें भी आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ट्रे को वाइट पेपर लगा कर या तो फिर कोई डब्बे में किसी तरह के कंटेनर में डालकर आप इसको ओवरनाइट या 1 दिन के लिए तो ज़रूर रखें ताकि ये अच्छी सी जम जाए। सारे के सारे इसमें निकाल लिया है, अब मैं इसको 1 दिन के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी बंद करके ढककर, तो फिर इंशाल्लाह जब ये अच्छे से जम जाएगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से जम गई है। अब मैं छुरी की मदद से इसके पीसीस काट लूँगी और प्लेट में आपको सब करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी हमारी जो है वो तैयार है। इसको मैंने पीसीस को प्लेट में निकाल लिया है, ऊपर मैं पिस्ता थोड़ा सा छिड़क रही हूँ, पिसा हुआ पिस्ता है, बारीक पिसा हुआ, कोई भी चीज़ आप छिड़कना चाहते हैं जिस हिसाब से फ्लेवर आपको पसंद हो, और ये थोड़ा सा रूह अफज़ा जामी शीरी, जो भी आप फ्लेवर आपके पास हो। चलो जी, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी तैयार है हमारी। एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। गर्मियों में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी को एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।